समाजवादी पार्टी के लिए बात ना करें, सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा 10 जिले है, क्योंकि इन 10 जिलों से अगर समाजवादी पार्टी की जो आपने बात की उसमें 17 सीटें इन 7 सीटों में से मिली थी 2007 में, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 27 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं मुकाबला है, और जिस तरह से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो एक बेस वोट मुस्लिम है और उनका ओबीसी है, इस पूरे 7 सीटों में, इस 10 जिलों में ये मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं साख दांव पर है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की भी, जिस तरह का उनका वोट बैंक रहा है, कितना उसको जुटा पाते हैं, क्योंकि इसी वोट बैंक से सभी पार्टियों ने अपना अपना निशाना लगाया है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, और इसी के साथ साथ ओपी जो छोटी छोटी जो मुस्लिम पार्टियां इस समय है, चाहे वो पीस पार्टी हो या IMC हो, तो कहीं ना कहीं साफ दांव पर है। इन तमाम मतदाताओं को अपने हक में करने में तमाम वादे किए गए हैं, वो इस पार्टी ने भी करे हैं और तमाम और पार्टियों ने भी करे हैं। जी रेतु, निश्चित तौर पर जब 18 फीसदी जो अल्पसंख्यक वोट है, उसको जानकारी बहुत लोगों की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में 7वें दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन।